मैं आपको एक मिसाल दूंगा, देखें जब एक बंदा नॉन मुस्लिम जिसने कभी मुस्लिम कंट्री में आया ही नहीं, एंड आई एम टेलिंग यू देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव नेवर विजिटेड अ गल्फ स्टेट, क्योंकि मैं अपने यूरोप में ना अपने मुख्तलिफ दोस्तों से, मुख्तलिफ सिर्फ जर्मन से नहीं और भी जो आए हुए थे पढ़ने के लिए, अक्सर पूछा रहता था कि हैव यू एवर विजिटेड अ मुस्लिम कंट्री, हैव यू विजिटेड दुबई, हैव यू विजिटेड गल्फ। मैं इसलिए गल्फ या दुबई का नाम लेता था क्योंकि वहाँ पर तो ज़रा आसान लगता है उनको आना क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज हैं। मोस्ट ऑफ देम से नो नॉट, आई नेवर इवन रियली थॉट अबाउट इट। तो उसकी वजूहत थी जो भी। तो ये अब एक मौका बना है, लोग आ रहे हैं, मुस्लिम कल्चर को देख रहे हैं। इवन हिजाब वाली ख़वातीन और फैमिलीज को जाते और फिरते देखते हैं कि दे आर नॉर्मल पीपल, दे आर नॉट लाइक ओप्रेस्ड, द वुमेन आर हैप्पी एक्चुअली, दे आर प्लेइंग, दे डू चिट चैट। फिर ये देखते हैं अजान इनके कानों में पड़ती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। नोरा इली ये एक स्विस रिवर्टेड मुस्लिम थी जिन्होंने 18 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड वापस जाके अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को स्टडी किया, इस्लाम कबूल किया और इस्लाम को इस हद तक मैक्सिमम जितना बंदा कर सकता है प्रैक्टिस करने की कोशिश की। शी वॉज़ अ निकाबी एक्चुअली, जो कि बड़ा मुश्किल काम है स्विट्ज़रलैंड में, उस तरह से उस सारे को फैमिली से टक्कर लेना और माशरे से टक्कर लेना। उन्होंने बाद में वहाँ पर जाके एक इस्लामिक सेंटर है उनका, ICCS, उसकी फाउंडिंग मेंबर है, बल्कि उसकी ख़वातीन की डिपार्टमेंट की हेड हैं। इसके अलावा जब स्विट्ज़रलैंड में निकाब पे बैन लगा, शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, आई मीन इन अ प्रॉपर वे, लीगल वे में। उनके हस्बैंड ने भी, वो भी एक रिवर्टेड मुस्लिम थे, इन दोनों ने मिलके बहुत काम किया इस हिजाब के, निकाब के बैन के खिलाफ, क्योंकि वो कहते थे कि जी आप बेसिक राइट ऑफ फ्रीडम जो आप जिसका आप प्रचार करते हैं वो छीन रहे हैं ख़वातीन से जो अपने आप को कवर करना चाहती हैं। एंड यू नो वॉट, इनकी बेसिक वजह क्या बनी इस्लाम कबूल करने की, लुक एट दिस एंड देन रिलेटेड टू कतर, शी हैपन टू विजिट ओमान विद हर फादर फर्स्ट टाइम ए मुस्लिम कंट्री एंड शी यूज टू लिसन टू दिस अजान, जिसने उनको बहुत मुतासर किया और वहाँ से ट्रिगर हुई, उनको अजान इतनी अच्छी लगती थी ये सुन के कि शी वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट इट, दैट वट इज़ दिस थिंग एट, वट इज़ दिस कल्चर इन इस्लाम। शी डाइड अनफॉर्चुनेटली इन 2020 विद ब्रेस्ट कैंसर एट द एज ऑफ 35। सुभान अल्लाह, अल्लाह मग़फ़िर लिहा वरहमहा। बहुत बड़ा लॉस है मुस्लिम उम्मा के लिए, बिकॉज शी वॉज अ बिग दाइया इन यूरोप एक्चुअली, इन जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो जिस तरह से वो पहली दफ़ा किसी गल्फ मुस्लिम कंट्री गई और वो ट्रिगर हुआ पॉइंट उनका इस्लाम कबूल करने का, और उन्होंने इतनी खिदमात सर अंजाम दी। ये जो कतर में इस वक्त हो रहा है ना, मुसलमानों को करीब से देखने का मौका मिल रहा है गैर मुस्लिमों को और उनके कल्चर को, अजान को। मैंने एक उस दिन वीडियो शेयर की थी, देखी भी, कि इन्होंने सेंट्रल मस्जिद ऑफ जो कतर है उसके इर्द गिर्द दुआत खड़े किए हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग, बड़े वेल मैनर्ड, बड़े पोलाइट, और वो जो भी आ रहे हैं ना टूरिस्ट, उनको बड़े अच्छे तरीके से हल्का फुल्का इस्लाम का इंट्रोडक्शन देते हैं, उनको मस्जिद दिखाते हैं। इन वैल्यूज़ के करीब जो लोग आ रहे हैं, जो इम्प्रेशन ये लेके वापस जाएंगे, इट हैज़ सर्वड अ बिग पार्ट ऑफ दावा। दैट इज़ व्हाट आई वांट। देखिए आप, सुभानअल्लाह, अगर आप थोड़ा सा ज़रा डीपली सोचें कि एक तरीके से ना पूरी दुनिया में, अब देखें कतर लाइम लाइट पर आया हुआ है, हुज्जत कायम हो रही है अब पूरी दुनिया वालों पर कि दिस इज़ इस्लाम, अब तुम्हारे ऊपर है, यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट और नॉट। और इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूज कास्टर्स वगैरह लोग डिफरेंट जो है जो इन वैल्यूज को अप्रिशिएट करते हैं, वो इस पे बात कर रहे हैं, जो भी बातें कतर को जो है ना, वी हैव टू अप्रिशिएट। मैं समझता हूँ की जैसे मैंने नोरा इली की मिसाल दी, इस तरह के बहुत सारे अल्लाह करे शरीफ नफ्स जो वेस्टर्नर्स, जो नॉन मुस्लिम्स हैं जो विजिट करके जा रहे हैं, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग सब बहुत सारे हैं, स्पेनिश हैं, ब्राज़ीलियन, अल्लाह करे कि बहुत सारे लोग इस तरीके से वो प्रेसिडेंस वापस लेके जाएं अपने दिल में और जाके अल्लाह इनको तौफीक दे इस्लाम को परखें, पढ़ें। जब बंदा फितरत पे का जो दीन है, वो जब इंसान की रूह जो भूखी होती है फितरत पे अल्लाह की कमांडमेंट्स पे अमल करने की, जब वो मैसेज पढ़ता है ना बंदा, कुरान पढ़ता है दिल से अनबायस होके, तो वो दिल पे असर कर रहा होता है। उमर भाई, व्हेन दीस पीपल accept Islam, na, they bring us to shame. They practice such Islam, जो इस्लाम हमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया था वाला। ये आप मतलब 60 साल की उम्र में एक्सेप्ट करने वाला इस्लाम एक बुजुर्ग शख्स, उसने 3-4 साल में अरबी सीखी, कुरान हिफ्ज कर लिया, इतनी बूढ़ी एज हमें फ्री में मिल गया, हमें कदर नहीं है इसके। सही बात है।